लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जापान, भारी बारिश में मृतकों की संख्या 81 हुई, दर्जनों लापत। जापान में गुरुवार से हो रही मूसलाधार बारिश से भूस्खलन और बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है। जापान के सार्वजनिक प्रसारणकर्ता NHK ने रविवार को बताया कि 78 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कम से कम 57 लोग लापता हैं। NHK ने कहा, 78 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 35 लोग भारी बारिश और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित हिरोशिमा प्रांत और 20 लोग यहाइम प्रांत से हैं। जबकि पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जापान के फुकुओका, क्योटो, ओकायामा, गिफू, कोची, शिग्गा, हियोगो और यामागुची प्रांतों से भी लोगों के मरने की खबरें मिली हैं। पुलिस, अग्निशमन दल, आत्मरक्षा बल और जापानी तटरक्षा के लगभग 54,000 जवान भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन और बाढ़ में फंसे लोगों की तलाश करने और उन्हें बचाने में जुटे हुए हैं। रविवार शाम तक 15 प्रांतों के 25 लाख लोग अभी भी सुरक्षित स्थानों की ओर निकल रहे थे। जापान के भूमि, बुनियादी ढांचा, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के अनुसार रिकॉर्ड तोड़ बारिश से जापान के 47 में से 28 प्रांतों में 201 स्थानों पर भूस्खलन जैसी भौगोलिक आपदाएं घटी हैं। जापान मौसम एजेंसी JMA ने रविवार को बताया कि एक सक्रिय मौसमी बारिश के रुख के कारण जापान के सबसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। एजेंसी ने जापान के किंकी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़, भूस्खलन, बिजली कड़कने और अंधड़ की चेतावनी जारी की है। इस प्रांत में क्योटो, हियोगो और ओसाका प्रांत आते हैं।